वीके न्यूज राष्ट्र के नाम। जिसने पैदा किया मेरी उस माँ की, मैं उसे सरेआम गोली मार देता, मेरे बच्चों की कसम में गोली मार देता। और आज भी कुछ भी नहीं है, सीधा ठोक के कहता हूँ, जो नूपुर शर्मा की कसम लाएगा, Who will have a life? ये नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की पूर्व प्रवक्ता रही नूपुर शर्मा के पैगंबर मोहम्मद को लेकर दिए गए बयान के बाद से ही देश का माहौल गरमाया हुआ है। नूपुर के इस बयान के बाद से ही देश के कई राज्यों में हिंसा और बवाल देखने को मिल रहा है। कई लोगों ने इस मामले में जान भी जा चुकी है। नूपुर शर्मा के पैगंबर मोहम्मद को लेकर दिए गए बयान के बाद से ही उन्हें जान से मारने की धमकियां मिल रही है। यहाँ तक कि कई लोगों द्वारा तो उनके सिर को धड़ से अलग करने वालों को इनाम देने का ऐलान किया गया था। बीते दिन पुलिस ने नूपुर शर्मा का सिर कलम करने वालों को अपना घर देने की बात कहकर उकसाने वाले अजमेर दरगाह के खादिम सलमान चिश्ती को गिरफ्तार किया है। सलमान चिश्ती का एक वीडियो सामने आया था जिसमें वो नूपुर शर्मा का सिर कलम करने वाले को अपना घर देने की बात करता हुआ नजर आ रहा था। नूपुर शर्मा को धमकी देने वाले में नासिर नाम का भी शख्स शामिल था, जिसे अब जान से मारने की धमकी के आरोप में यूपी पुलिस ने बरेली से गिरफ्तार किया है। और ये भी कहा जा रहा है कि वो कई बार नूपुर शर्मा और उनके परिवार वालों की रेकी भी करवा चुका है। आपको बता दें, आरोपी नसरीन ने एक वीडियो भी नूपुर शर्मा को यहाँ पर धमकी दी थी। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने मामले में एक्शन लेते हुए आरोपी को फरीदपुर से गिरफ्तार किया। इंस्पेक्टर नरेश नासिरवाड़ के खिलाफ यहाँ पर शिकायत दर्ज की है। आईटी एक्ट के प्रावधान और आईपीसी की दूसरी प्रावधानों के तहत नासिर पर मामला दर्ज किया है। आपको बता दें, नूपुर शर्मा के बाद मचे बवाल के बीच बरेली दरगाह आला हजरत से जयपुर कांड पर फतवा जारी किया गया था। फतवे में कहा गया कि शरीयत के मुताबिक कानून को हाथ में लेकर हत्या करने वाला मुजरिम है। मतलब साफ है, जो लोग धमकी दे रहे थे, जो लोग बवाल काट रहे थे, अब एक एक करके सबकी धरपकड़ की जा रही है। नेक्स्ट रिपोर्ट, अमन, वीके न्यूज़।